फैंस तो बहुत देखे पर ऐसा फैंस को मैंने आज पहली बार देखा। जी हाँ दोस्तों, हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों आपने बहुत सारे फैंस देखे, आप खुद एक फैंस हैं, मैं भी कहीं ना कहीं किसी का फैंस ही हूँ, लेकिन एक ऐसा फैंस है जो इसको कहते हैं फैंस। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा बायको, ये सोशल मीडिया पे आए दिन ट्रेंडिंग हो रहा, आज भी ट्रेंडिंग चालू है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो एक स्टार एक फैंस के बीच जो मोहब्बत होती है, इस बंदे का नाम पता नहीं है दोस्तों, मुझे पता नहीं कि इस बंदे का नाम क्या है, लेकिन कल रात को मैंने सोशल मीडिया बोले तो ट्विटर पे इसका एक वीडियो देखा जहां पे वो एक बहुत बड़े बैनर को लेके सड़क पे भाग रहा है और उसमें एक लाइन लिखा हुआ, आपको याद होगा जय हो मूवी सलमान खान की, जो उसमें सलमान खान ने एक लाइन बोला था कि आप दूसरे को मदद करो और उनसे कहो वो तीन और लोगों को मदद करे, फिर वो और उनसे कहो कि तीन लोगों को मदद करे। उसी तरीके से वो बैनर में लिखा हुआ है कि लाल सिंह चड्ढा तीन लोगों को कहो देखने के लिए और वो तीन से कहो वो तीन और को कहें इस मूवी को देखने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ पोस्टर पे। तो दोस्तों फैंस दो किस्म के होते हैं, एक एड़ा फैन होते हैं, एक पागल फैन होते हैं, एक फैंस के दीवान के होते हैं। क्या बोलूं इसको मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितना भी बताऊं कि इस फैंस जो है, ये फैन कहीं ना कहीं ये फैन जो है अपने स्टार के लिए मोहब्बत दिखा रहा है। देखो अभी हर स्टार के लिए फैंस के दिल में मोहब्बत होती है, अगर आप किसी के फैंस हो तो कहने के आपके दिल में मोहब्बत है उनके लिए। आप फाइट फर्स्ट हो मतलब क्या, आप पैसे नहीं देखते हो, जब आप थिएटर में उनकी मूवी लगती है ना तो आप पैसे नहीं सोचते हो कि मेरे पास 200 पड़े हैं या 500 पड़े हैं, आप ये सोचते हो कि मैं फर्स्ट फर्स्ट हो उनकी मूवी देखूँ। टिकट्स का कोई वैल्यू नहीं, जितना भी रेट हो आप पैसे लगा के मूवी देख डालते हो, ऐसे होते हैं फैंस दोस्तों। तो यार हमारी दुनिया में ना दो किस्म के इंसान होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। देखो भाई अभी बायकॉट हो रही है नहीं हो रही है मुझे कोई आइडिया नहीं, और मैं इसका ना सपोर्ट में खड़ा हूँ ना अगेंस्ट में खड़ा हूँ। मैं एक मूवी लवर हूँ, फर्स्ट फर्स्ट मूवी देखता हूँ, चाहे वो कोई भी स्टार हो बॉलीवुड के, तो मैं देखूंगा ही। बाकी रहा सवाल हमारे जितने भी मूवी लवर्स हैं हमारे देश में या पूरी दुनिया में, वो लोग भी यही चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो। देखो यार दो घंटे अढ़ाई घंटे की मूवी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन घंटे की मूवी होती है, और हम लोग चाहते हैं यार दो तीन घंटा जाके थिएटर में बैठे एंजॉय करें। कोई फैमिली के साथ जाता है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, कोई अपने दोस्तों के साथ जाता है, सिर्फ क्या करने जाता है वहाँ पे, टाइम पास करने जाता है, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक समोसा लेके बैठ जाता है, भाई चलो इंटरटेनमेंट हो रहा है। और कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती है, कुछ फिल्में जो कि हम लोगों को बिगाड़ जाती है। या दोस्तों कुछ फिल्में हैं ऐसी जहाँ पे लोग बिगड़ भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर सुधरते हैं, भाई कुछ अच्छा मैसेज होता है। तो दोस्तों ये फैंस बहुत अच्छा है यार, मैं इनका जो बैनर लेके दौड़ा यार मज़ा आ गया यार, सुपर। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि फैंस ऐसा ही होना चाहिए, दिखावे का फैंस नहीं होना चाहिए, खाली नाम का फैंस, अरे यार माय फैंस हूँ ट्विटर पे, आई लव, अरे भाई फैंस ऐसी दिखावा ऐसी दीवानी होनी चाहिए। तो इनको सल्यूट है मेरे तरफ से यार, मतलब कि फैंस ऐसे ऐसे होते हैं यार। बाकी देखते हैं यार क्या होता है, 11 अगस्त को ही मालूम चलेगा। तो बस भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।